तमकुही राज विधानसभा से बसपा ने किया प्रत्याशी का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। कुशीनगर जिले के 331 तमकुही राज विधानसभा से संजय गुप्ता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उन पर भरोसा जताया है। कुशीनगर जिले की एक पार्टी से टिकट ना मिलता देख दूसरे दल का दामन थामने का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में एक नाम संजय गुप्ता का भी जुड़ गया है। तमकुही राज क्षेत्र से भाजपा के लिए संघर्ष करने के बावजूद पार्टी से टिकट ना मिलता देख हाथी की सवारी करने से संजय गुप्ता ने जरा भी देर नहीं लगाई और उसका उन्हें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इनाम भी मिला। नामांकन के अंतिम दिन बसपा ने 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी की तरफ से उनके नाम का ऐलान होते ही समर्थकों और शुभचिंतकों का उनके आवास पर बधाई देने के लिए तांता लग गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में समाज सेवी के रूप पहचान रखने वाले संजय गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और वह इसलिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है कि वह उन्हें भारी मतों से विजय बनाएगी। किसी से नहीं दिख रहा है कि कोई लड़ाई है, क्योंकि संजय गुप्ता आपको मालूम है कि 2 महीने क्षेत्र में आके हुआ है और 2 महीने में जो जनता के साथ प्रेम स्नेह दुलार मुझे मिल रहा है उसके साथ मुझे नहीं लगता है कोई टक्कर में है। और आज मैं व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज दल की लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा है, वो सबके साथ धोखा देने का काम किया है और हर एक जनता के साथ धोखा दिया है और उनके साथ हमेशा धोखा देने के लिए, क्योंकि अगर सर्वे के आधार पर किसी कैंडिडेट को टिकट अगर मिलता है तो मैं मानता हूँ कि पार्टी लेवल का वोट बैंक बढ़ता है। अगर समझे कि पार्टी अपने मर्जी से किसी अन्य बाहरी से ले आकर टिकट देती है तो उस टिकट के ऊपर जनाधार ख़त्म हो जाती है। आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं किसी पार्टी के साथ नहीं लड़ रहे हैं बल्कि व्यक्तिगत, और आज बहुजन समाज पार्टी, आज लोगों को युवा नेता चाहिए और युवा नेता के साथ साथ अब देखिए कि अगर भाजपा ने मुझे टिकट देने का काम नहीं किया इसके साथ 5 साल मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 5 साल इंतज़ार कर घड़ी बहुत लंबा होता है और उसके साथ मुझे सेवा मन भाव से लोगों के साथ जुड़े रहना है, लोगों को सेवा करना है। इसलिए मैं 5 साल ना इंतज़ार करते हुए मैंने मन बना लिया हूँ कि इसी उम्र में मैं कहीं ना कहीं किसी पार्टी से मिले, मुझे जनता का सेवा करना है और तमकुही राज को एक विकास मॉडल आदर्श बनाना है और इसी चौमुखी विकास के साथ मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भारी से भारी मतों से मेरे साथ आइए और वोट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के पास समय भी बहुत चुनाव मेरे हिसाब से बहुत कम नहीं है, क्योंकि हम 8-10 दिन में जनाधार खड़ा करने वाले हम आदमी हैं, लोगों के साथ जुड़ने वाले आदमी हैं। जैसा भी हो जाएगा हम दिन रात लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए चुनाव के लिए टाइम कम नहीं है, हम निकाल लेंगे चुनाव। विकास की क्या एजेंडा है आपकी? विकास की एजेंडा यही है कि सबसे पहले चौमुखी विकास होगी, स्वास्थ्य रोड सड़कें जो अधूरी पड़ी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसके साथ काम करेंगे। युवा है, युवा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले उनको रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे युवा जो है वो पढ़ लिख के बहुत होशियार है, मैं बात कर रहा हूँ हर एक युवा के साथ, उनके अंदर जोश तो बहुत है, पढ़े लिखे बहुत है, होशियार बहुत है, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल पा रही है। उनके साथ कोई बिजनेस कोई आगे के बिजनेस नहीं दिख रही है, तो उनको सीधा एक थोड़ा सा पर्दा हटाना है, उनके साथ युवा लोगों को रोज़गार और ये रोज़गार देना है।